बीकॉम पढ़ते स्टूडेंट्स सलाम वालेकुम बेटा, आज कॉस्ट अकाउंटिंग में हम अपना जॉब ऑर्डर का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 1999 का क्वेश्चन नंबर 7। बेटा आपको याद होगा कि आपने जो लास्ट लेक्चर देखा था उसमें मैंने यहाँ पे दो टी अकाउंट बनाए थे, एक WIP का, एक फिनिश गुड का, इनफैक्ट एक तीसरा भी था FOH का। तो वर्क इन प्रोसेस के टी अकाउंट में हमें अपनी पूरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मिलती है और उसके ज़रिए हम मालूम करते हैं कि हमने कितनी कॉस्ट का काम मुकम्मल किया, कितनी गुड्स हमने फिनिश की। आज के सवाल में ये जो सवाल शुरू हो रहा है वो डायरेक्ट WIP के टी अकाउंट से ही शुरू हो रहा है। तो आइए ज़रा देखते हैं 99 का क्वेश्चन। कहते हैं द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अपीयर्स इन द वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री अकाउंट। अभी आपको एक वर्क इन प्रोसेस का टी अकाउंट नज़र आ रहा है, चलिए मैं आपके सामने यहाँ पर भी ड्रॉ कर देता हूँ। अमूमन जो टी अकाउंट होता है वो एंट्री की मदद से बनाया जाता है, यानी एंट्री हमें गिवन होती है, हम एंट्री की मदद से टी अकाउंट बनाते हैं। आज के क्वेश्चन में इन्होंने आपको टी अकाउंट दे दिया है और ज़ाहिर है आगे वो आपसे क्या पूछेगा उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। मैं यही टी अकाउंट पहले कॉपी कर लेता हूँ। सबसे पहले हमारे पास जो वर्क इन प्रोसेस का बिगिनिंग बैलेंस है, जिसको हम बैलेंस ब्रॉट डाउन भी कह सकते हैं, वो कितना है 7200। फिर उसके बाद 12000 रुपये फिर डेबिट है और ज़ाहिर है मटेरियल के नाम से है और वर्क इन प्रोसेस के अंदर जो मटेरियल होता है वो डायरेक्ट मटेरियल होता है। फिर 9000 डेबिट है और इसके आगे इन्होंने लेबर लिखा है, हम यहाँ पे पेरोल लिखेंगे क्योंकि एंट्री के अंदर लेबर नहीं बल्कि पेरोल लिखा जाता है लेबर की जगह। और फिर 10800 डेबिट है फैक्ट्री ओवरहेड। क्लियर है जी? तो अब हम यहाँ पे कर लेंगे इसका टोटल एज इट इज़ और वो है आपका 39000। फिर अगर आप क्रेडिट साइड पे जाएं तो आपको नज़र आ रहा है बैलेंस कैरी डाउन, जिसका मतलब है कि स्टिल हमारा 9000 रुपये का काम इन प्रोसेस है। तो अगर आप इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास फिनिश गुड्स का अमाउंट निकल कर आ जाएगा, यानी आपने कितनी गुड्स का काम मुकम्मल किया। तो ये आपने लिखा हुआ भी है ट्रांसफ़र टू फिनिश गुड्स और वो कितना है 30000 और यूं कुल मिला के ये आ गया 39000। अच्छा, अभी मैंने सेव और सेव सवाल को कॉपी किया है आपके पास बोर्ड पे ताकि मैं आपको यहाँ पर बेहतर तरीके से समझा सकूँ। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे सवाल के अंदर कम से कम 4 एंट्रीज छुपी हुई हैं, एक ये वाली एंट्री मटेरियल की, एक पेरोल की और एक FOH की और एक फिनिश गुड की। सही है? आज मैं आपको बताऊंगा कि हम ये वाली तीन एंट्रीज है ना, ये वाली तीन एंट्रीज, ये हम तीनों को मर्ज करके एक भी बना सकते हैं। कैसे? अगर आप अपने जॉब ऑर्डर की एंट्रीज वाले पैटर्न पे जाएं तो वहाँ पे आपको नज़र आएगा कि जब हम डायरेक्ट मटेरियल की एंट्री बनाते हैं तो उसको भी हम वर्क इन प्रोसेस से डेबिट करते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल तो आ ही नहीं सकता ना क्योंकि ये वर्क इन प्रोसेस का टी अकाउंट है। फिर जब हम डायरेक्ट लेबर की एंट्री बनाते हैं तो उसमें भी वर्क इन प्रोसेस को डेबिट करते हैं और जब हम FOH की एंट्री बनाते हैं अप्लाइड वाली तो उसमें भी वर्क इन प्रोसेस को डेबिट करते हैं। तो इसका मतलब है कि इन तीनों एंट्रीज में जो कॉमन है वो क्या है, WIP, और वो भी कहाँ पे डेबिट में। तो मैं चाहूँ तो मैं इन तीनों को एक साथ WIP को डेबिट कर सकता हूँ तीनों मिला के। हाँ, मटेरियल की एंट्री के लिए मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट, लेबर की एंट्री के लिए फैक्ट्री पेरोल क्रेडिट और FOH की एंट्री के लिए FOH अप्लाइड क्रेडिट। या आप चाहें तो अपने जॉब ऑर्डर की एंट्री पैटर्न में देख सकते हैं जो डायरेक्ट मटेरियल की एंट्री है, डायरेक्ट लेबर की एंट्री और FOH अप्लाइड की एंट्री है। तो ये इसको मैं कह सकता हूँ कि ये तीनों मिला के हमारी बनती है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मटेरियल, लेबर, FOH। अमूमन इसकी एंट्री अलग अलग बनती है लेकिन इसकी एक साथ भी बन सकती है। एक और एंट्री वो है फिनिश गुड की, बट अभी मैं एंट्रीज पर नहीं आ रहा हूँ, अभी हम चलेंगे इसके क्वेश्चन के अगले हिस्से की तरफ।
और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा एक काम कीजिए, पेंसिल अपने हाथ में रखिए और यहाँ पे ज़रा मार्किंग कीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो आपकी परसेंटेज बनते हैं डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट पे। फिर इसके बाद दूसरा ब्रैकेट लगाइए, डायरेक्ट लेबर चार्ज टू वर्क इन प्रोसेस एट अक्टूबर 31 इज एस्टिमेटेड रुपीज 3000। यहाँ पे दूसरा ब्रैकेट लगा लीजिए, दो ब्रैकेट हो गए। फिर तीसरा ब्रैकेट लगाइए, 75% ऑफ द गुड्स फिनिश ड्यूरिंग अक्टूबर आर सोल्ड रुपीज 27000 एंड रिमेनिंग 25% ऑफ द फिनिश गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। ये आपका तीसरा ब्रैकेट हो गया। अब आ जाइए रिक्वायरमेंट की तरफ। कहते हैं रिक्वायरमेंट में नंबर ए, फैक्ट्री ओवरहेड परसेंटेज ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब सुनिएगा एक बात गौर से, आपको फैक्ट्री ओवरहेड भी पता है और आपको डायरेक्ट लेबर भी पता है। फैक्ट्री ओवरहेड है 10,800 और डायरेक्ट लेबर है 9,000। जब हमें ये दोनों अमाउंट की शक्ल में गिवन हो तो फिर हमें इससे मतलब यूजुअली नहीं होता कि ये फैक्ट्री ओवरहेड परसेंटेज में कितने। भाई ज़ाहिर है जब अमाउंट में बता दिया तो परसेंटेज की क्या ज़रूरत है, लेकिन जब वो आपको अमाउंट बताता है तो फिर वो ये कहता है कि फ़र्ज करो कि अगर हम इस अमाउंट को जो है वो फ़र्ज कर लें कि हमने ये FOH की बेस पर कैलकुलेट किया है, यानी FOH का अमाउंट गिवन है परसेंटेज नहीं है। अमूमन FOH अमाउंट में नहीं बल्कि परसेंटेज की शक्ल में होते हैं, और वो परसेंटेज भी हम हमेशा किस पर अप्लाई करते हैं, ज़्यादातर डायरेक्ट लेबर पे। वो सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा है कि फ़र्ज कर लो कि ये FOH लेबर की बेस पर है। अब कितनी बेस है, कितना परसेंट है ये तो नहीं पता, बट अमाउंट पता है कि वो 10,800 है। अब आप इसकी परसेंटेज खुद निकाल लो, यानी आसान लफ्ज़ों में हमें FOH की परसेंटेज करनी है और कैलकुलेट करनी है ऑन दी बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो इसके अलावा हम क्या करेंगे, ये हम करने जा रहे हैं अपनी रिक्वायर्ड नंबर ए, रेट ऑफ FOH ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। आपने FOH का रेट कैलकुलेट करना है डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट पे। बेटा ये आपके लिए कोई नई बात नहीं है, आप ये फर्स्ट चैप्टर में ये चीज़ पढ़ चुके हैं पहले। तो क्या करेंगे, FOH हमेशा ऊपर रखते हैं हम, और जिस चीज़ की बेस पर हम उसको कैलकुलेट करते हैं उसको हम नीचे रखते हैं। तो ये आ गया डायरेक्ट लेबर मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखिए हमारे पास सवाल में FOH कितने हैं, 10,800 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लेबर वो कितनी है, 9,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे FOH हैं वो हमारी लेबर के कितने परसेंट हैं, 120%। क्लियर है ये बात, कोई मुश्किल? अब आइए, अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात पूछ रहा है, लेकिन वो जो इंटरेस्टिंग बात पूछ रहा है ना बेटा आपके लिए, वो भी कोई नई चीज़ नहीं है, आप वो भी पढ़ चुके हैं। कहते हैं फ़र्ज करो, अब ये दूसरा ब्रैकेट था ना मैं वो पढ़ रहा हूँ, ये देखिए, ये इसने आपको वर्क इन प्रोसेस की एंडिंग इन्वेंट्री बताई है 9,000। आपको याद है जब मैं आपको पहला चैप्टर करा रहा था जॉब और कॉस्ट अकाउंटिंग में, तो मैंने आपको वहाँ पे एक बात बताई थी कि ये जो WIP की एंडिंग इन्वेंट्री होती है ना, ये जो लिखे हुए 9,000, इस 9,000 का मतलब ये है कि ये इतना काम अभी भी ऐसा है जो जारी है। यानी अभी हमारा सिर्फ 9,000 का काम हुआ था कि हमारा महीना या साल ख़त्म हो गया, काम हो चुका था 9,000 रुपये तक का। अभी इसमें मजीद कुछ काम होना बाकी है, जब वो भी हो जाएगा तो फिर ये काम जारी नहीं रहेगा, फिर ये काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अभी चूंकि ये WIP के लेजर में नज़र आ रहा है आपको एज एन एंडिंग इन्वेंट्री, तो इसका मतलब क्या है कि ये काम अभी चल रहा है, इस पर मजीद काम होगा। जितना काम हो गया उस काम में भी, जो काम हो गया उसमें भी तीन चीज़ें होती हैं। यानी मैं कह सकता हूँ कि ये काम जो अभी चल रहा है, जो जिसकी कीमत 9,000 रुपये है, अभी इसमें मजीद काम होना बाकी है, इसमें कुछ अमाउंट मटेरियल होगा, कुछ अमाउंट लेबर की होगी और कुछ अमाउंट FOH की होगी। अमूमन हमें इससे मतलब नहीं होता कि जो काम एट दी एंड हमारा जारी है जितने अमाउंट का भी, उसमें इन तीनों का कितना कितना पोर्शन है। लेकिन भाई अगर वो सवाल में पूछना चाह रहे हैं तो बता दो। अब वापस आइए अपने दूसरे ब्रैकेट में। कहते हैं डायरेक्ट लेबर चार्ज टू वर्क इन प्रोसेस एट अक्टूबर 31 इज एस्टिमेटेड रुपीज 3000। सिंपल उसने क्या बोला है कि इस 9,000 रुपये में से 3,000 डायरेक्ट लेबर है, इस 9,000 रुपये में से 3,000 डायरेक्ट लेबर है, तो बाकी कितना बचा, 6,000। उस 6,000 में मजीद दो चीज़ें शामिल होंगी, एक मटीरियल और एक FOH। तो सर क्या बड़ी बात है, 3,000 मटीरियल में डाल दें, 3,000 FOH में डाल दें। तो बेटा इतना आसान तो नहीं है ऐसे कह देना, क्योंकि ऐसा तो कहीं पर नहीं मैंने आपको बताया कि
जो वर्क इन प्रोसेस का अमाउंट गिवन हो और जो ना गिवन हो, तो जो ना गिवन हो उसको बराबर बराबर डाल दो, ऐसा तो नहीं है। अब आइए अपनी रिक्वायरमेंट नंबर टू में, कहता है फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड एंड डायरेक्ट मटेरियल इन वर्क इन प्रोसेस एट अक्टूबर 31st। कहता है कि इस 9000 रुपये में से, सवाल में आपको बता दिया कि 3000 लेबर है, तो दो कौन सी चीज़ें नहीं बताई, इसी 9000 रुपये में मटेरियल भी है, इसी 9000 रुपये में FOH भी है। आपसे वो कहा जा रहा है कि लेबर को हटा दो 3000, मटेरियल और FOH मालूम कर लो। वैसे ज़रूरत नहीं है, जब हमें ये पता हो कि हमारा WIP एंडिंग कितना है तो फिर हमें इससे क्या मतलब कि इसमें मटेरियल कितना, लेबर कितनी, FOH इतना। हाँ, ये हमें पता होना चाहिए कि जो काम भी हमारा एट दी एंड रह जाता है उसमें तीनों एलिमेंट पाए जाते हैं। वो चाहे तो पूछ सकता है कि इसमें इन तीनों एलिमेंट का क्या पोर्शन है, और कम से कम वो एक पोर्शन बताएगा, बाकी दो मालूम करने पड़ेंगे। तो आज उसने लेबर बता दिया, कह रहा है कि मटेरियल और FOH मालूम करो, कोई मसला नहीं। आइए इसको भी कैलकुलेट करते हैं। ये है हमारी रिक्वायरमेंट नंबर बी। क्या करेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे FOH एंड मटेरियल इन WIP एंडिंग, FOH एंड मटेरियल इन WIP एंडिंग। अब सुनिएगा एक बात, देखो भाई FOH निकालना तो बड़ा सिंपल है, क्योंकि उसने आपको बता दिया कि इस 9000 रुपये में जो लेबर है वो 3000 है, ऊपर सवाल के पैराग्राफ की सेकंड लाइन में लिखा हुआ नज़र आ रहा है, थर्ड लाइन में। अब अगर मैं उसी लेबर का 120% ले लूँ तो वो FOH आ जाएगा। इसलिए याद रखिए कि अगर सवाल में FOH का रेट गिवन नहीं है तो हम इसका रेट मालूम किए बगैर कभी भी FOH नहीं निकाल सकते। इसलिए उसने रिक्वायरमेंट नंबर वन में ए रेट पूछा। अच्छा सर, फर्ज करें कि अगर वो रिक्वायरमेंट नंबर वन पूछता नहीं, डायरेक्ट ये पूछता, तो भी मैं आपको उसके लिए टिप दे दूं कि जब तक आप ये नहीं निकालेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए कोई भी ऐसा सवाल जिसके अंदर आपको लेबर और FOH दोनों का अमाउंट दे दे, तो आप एहतियातन पर रेट निकाल के रखो, ताकि आगे रेट की ज़रूरत पड़े तो आपको रेट मालूम हो। और वो रेट भी अगर ना बताए तो समझो कि वो 100% पे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर ही रेट निकलता है। हाउएवर, रेट निकालने के और दूसरे बेसिस भी हैं, लेकिन 99% डायरेक्ट लेबर की बेस पर होता है। तो ये देखिए, अब मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या मालूम कर रहा हूँ, FOH। FOH बहुत सिंपल है, चूँकि मुझे मालूम है कि इस 9000 में 3000 लेबर है, तो जब 3000 लेबर है तो इस 3000 पे मैं 120% लगा देता हूँ, तो 3600 के आ गया हमारे पास FOH। अब बताओ 9000 में से कितनी चीज़ें मालूम हो गई, दो। लेबर तो पहले ही मालूम थी 3000, 3600 FOH मालूम हो गया, तो टोटल कितना हो गया 6600। अगर 9000 रुपये में से 6600 लेबर और FOH है, तो फिर मटेरियल क्या मुश्किल है, इस टोटल में से लेबर और FOH माइनस कर दो तो मटेरियल आ जाएगा। तो ये लीजिए, अब मैं मालूम कर रहा हूँ मटेरियल। अच्छा, अक्सर बच्चों को एक कन्फ्यूजन होती है कि सर फिर ये कौन सा मटेरियल है, ये कौन सा लेबर FOH है, तो फिर ये कौन सा है और ये, भाई जो इस साइड पर होता है ना, ये टोटल है, टोटल कुल मिला के कितना मटेरियल लेबर FOH लगा। ये जो मैं मटेरियल लेबर FOH निकाल रहा हूँ, मैं सिर्फ उस काम के अंदर से निकाल रहा हूँ जो मेरा बच गया है। इसलिए इस मटेरियल लेबर FOH को इस मटेरियल लेबर FOH से कभी भी आपने कंपेयर नहीं करना, ये तो कुल मिला के है। ये जो मैं मालूम कर रहा हूँ, ये सिर्फ उस बचे हुए काम पर है जो अभी चल रहा है, कि उसमें कितना पोर्शन इन मटेरियल लेबर FOH का है। तो ये लीजिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ WIP एंडिंग 9000 माइनस लेबर, सवाल में गिवन है कितनी 3000, माइनस FOH 3600, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, मटेरियल 2400। अब आपको याद आएगा कि ये चीज़ मैंने आपको ऐसे समझाई थी, टोटल 9000 है WIP, इसमें मटेरियल लेबर और FOH, तो भाई लेबर तो हमें सवाल में पहले ही गिवन था कितना 3000, FOH मैंने निकाला 3600 और मटेरियल निकाला 2400। और जब आप इन तीनों को जमा कर लेंगे तो WIP एंडिंग की कॉस्ट निकल कर आती है, कोई मुश्किल बात। चलिए, अब इसके बाद वो आपसे कह रहा है कि आपने कुछ जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है, और इन जनरल एंट्रीज के अंदर आपने पहली एंट्री बनानी है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट चार्ज टू प्रोडक्शन ड्यूरिंग अक्टूबर। याद रखिए, जो मैन्युफैक्चरिंग वाली एंट्री होती है ना, वो ये तीन होती हैं। आप चाहें तो इन तीनों को अलग अलग बना सकते हैं, यानी वर्क इन प्रोसेस डेबिट, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट,
वर्क इन प्रोसेस डेबिट, फैक्ट्री पेरोल क्रेडिट, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, एफ ओ एज अप्लाइड क्रेडिट। और अगर आप चाहें तो इसकी एक मुश्तरका सिंगल एंट्री भी बना सकते हैं। तो ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए चार्ट बनवाया था, इसको मैं मिटा देता हूँ और अब हम बनाते हैं इसकी जनरल एंट्री। इसके लिए आपको प्रॉपर ड्रॉ करना पड़ेगा जनरल जर्नल। आइए, ये मैंने इसकी पहली एंट्री बनाई वर्क इन प्रोसेस डेबिट। अब चूंकि मैं तीनों की एक साथ मिला के एंट्री बना रहा हूँ, इसलिए हम इसको एक साथ देखते हैं। तो ये कितनी बनेगी, 31,800। अब इसके अंदर मटेरियल है तो ये क्रेडिट में आ गया, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट 12,000, फैक्ट्री पेरोल 9,000, 12,921 और एफ ओ एच अप्लाइड 10,800। आप चाहें तो तीनों को अलग अलग भी बना सकते हैं, दोनों तरीके बिल्कुल सही हैं। फिर इसके बाद अगली बात उसने पूछी है, ये तो एक एंट्री भी कहता है ट्रांसफर ऑफ प्रोडक्शन टू फिनिश गुड वेयर हाउस। फिनिश गुड का मतलब ये 11वीं वाली एंट्री पूछ रहा है। तो भाई ये क्या मुश्किल है, ये तो हमारे पास अमाउंट मौजूद है 30,000। ये लीजिए, ये मैंने दूसरी एंट्री बना दी फिनिश्ड गुड्स डेबिट वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट, कितना 30,000। अच्छा, अगली बात ये क्या हमें बनानी है किसकी एंट्री, 12वीं यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। वो आप जाके देखो, उसने पूछी नहीं है, उसने डायरेक्ट आपसे 13वीं एंट्री पूछी यानी सेल की। और सेल में आप कैश सेल भी हो सकती है, क्रेडिट सेल भी हो सकती है, दोनों भी हो सकती हैं और दोनों में से कोई एक भी हो सकती है। अब इसने आपसे 12वीं एंट्री नहीं पूछी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो चलिए हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की एंट्री खुद से बना लेते हैं। अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की एंट्री बनानी है और आपको अमाउंट नहीं पता तो कौन सा टी अकाउंट बनेगा, फिनिश गुड का। जब फिनिश गुड का टी अमाउंट मालूम करना और अमाउंट ना पता हो तो WIP का टी अकाउंट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का अमाउंट मालूम करना और वो ना पता हो तो फिनिश गुड का टी अकाउंट। मैं फिनिश गुड का टी अकाउंट अभी नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट टी अकाउंट बनाए बगैर बता रहा हूँ। फर्ज कीजिए अगर मैं टी अकाउंट ड्रॉ करूँ फिनिश गुड का, तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, बिगनिंग बैलेंस, वो मेरे पास नहीं है, छोड़ दीजिए। फिर मैं फिनिश गुड की एंट्री पोस्ट करूँगा, वो ये रही 30,000, यानी डेबिट साइड पे बिगनिंग बैलेंस नहीं है तो सिर्फ प्रैक्टिकली 30,000 टोटल है। फिर क्रेडिट साइड पे मुझे बैलेंस कैरी डाउन करना होगा एंडिंग बैलेंस फिनिश गुड का, तो वो भी मुझे सवाल में कहीं नज़र नहीं आ रहा। अब आप कहेंगे कि सर क्यों नज़र नहीं आ रहा, जरा देखिए ऊपर क्या कहता है, थर्ड ब्रैकेट 75% ऑफ द गुड्स फिनिश ड्यूरिंग अक्टूबर आर सोल्ड फॉर कैश। आपके जहन में आएगा कि सर वो तो 75% कह रहे हैं ना, इसका मतलब क्या हुआ कि 25% तो बैलेंस कैरी डाउन हुआ ना। हाँ, मैं 25% को बैलेंस कैरी डाउन मान लेता तब वो मुझे आगे ना बताता। अभी तो वो आगे भी तो कह रहा है, वो कह रहा है 75% तो आपने फिनिश गुड बेच दी कैश पे 27,000 और बाकी 25% आपने बेच दी 9,500 रुपये में उधार पे, तो इसका मतलब क्या 100% बेच दी। यानी अगर मैं ये टी अकाउंट बनाऊँ भी तो मेरे डेबिट में 30,000 है और क्रेडिट में कुछ भी नहीं है, यानी क्रेडिट के अंदर बैलेंस कुछ भी नहीं है, यही पूरा 30,000 है, क्योंकि इस 30 में से आपने 75% कैश पे बेची और 25% आपने उधार पे बेची। अगर वो 75% पे रुक जाता, 25% ना कहता, तो मैं 25% को बैलेंस समझता। अभी मैं बैलेंस इसलिए नहीं समझ रहा हूँ क्योंकि 75 कैश पे बिकी और 25 उधार पे बिकी, तो पूरी 100% बिक गई ना, तो ज़रूरत ही नहीं है हमारे पास। तो इसका मतलब है कि जब मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री बनाऊँगा तो मुझे इस पूरे अमाउंट से एंट्री बनानी पड़ेगी, क्योंकि मेरा जितना कॉस्ट का काम गुड जो है वो फिनिश हुआ था वो सारा का सारा बिक गया, 30,000 और फिनिश्ड गुड्स क्रेडिट 30,000। मैं फिर आपको एक बात बता रहा हूँ, अगर वो 75% पे रुक जाता, 25% की बात ना करता, तो मैं 75% को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डाल देता और बाकी 25 को बैलेंस कैरिड डाउन में। अभी चूंकि उसने कहा है कि 75% आपने कैश पे बेचा और 25% उधार पे बेचा, तो इसका मतलब है आपने कुछ भी नहीं बचाया, सारा बेच दिया। और अब आपसे 13वीं एंट्री पूछ रहा है, तो 13वीं एंट्री सिंपल है, चूँकि इसके अंदर उधार पे भी बिका है और कैश पे भी बिका है, तो हम दोनों डेबिट करेंगे, कैश डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट। तो कैश कितना है इसका, 27,000 और
9500 और सेल कितनी हो गई इसकी 36500। क्लियर है बेटा? अच्छा अब आप देख लीजिए, आपको मैं आप कुछ असाइनमेंट दे रहा हूँ, वो नोट कीजिए। अच्छा जी, सवाल नंबर 2 नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 हैंडआउट का, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको करवा चुका था, क्वेश्चन नंबर 4, फिर उसके बाद अच्छा एक बात का ख्याल रखिएगा, ये जो टी अकाउंट वाला सवाल है इसके अंदर जैसे अभी आखिर में उन्होंने कहा कि 75% आपने कैश पे बेची और 25% उधार पे बेची, तो इसलिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैंने पूरी ली। अगर बात 75% पे रुक जाएगी तो आपको टी अकाउंट बना के 75% को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डालना होगा और 25% कैरी डाउन करना होगा, सही है? अच्छा अब ये जो सवाल नंबर 7 है, सवाल नंबर आठ, ये सवाल नंबर 8 बेसिकली टी अकाउंट ही है, ज़रा निकालिए अपने सामने रखिए, ये टी अकाउंट ही है। फ़र्क यह है कि बजाय इसके को वो टी अकाउंट की शक्ल देता, एक तरफ डेबिट एक तरफ क्रेडिट, उसने डेबिट सारे एक तरफ कर दिए, क्रेडिट उसके नीचे कर दिए। मेरा आपको मशवरा यह है कि आप सवाल नंबर 8 को पहले इस शक्ल में बना लेना, यानी पहले बैलेंस 9000, फिर मटीरियल, फिर ये लेबर 13500 और फिर ये एम्प्लॉयज 15525 और फिर उस साइड पर चले जाना तो फिनिश गुड 38000 और बैलेंस 11000। तो पहले जब आप इसको इस फॉर्म में बना लेंगे तो फिर आपको ये बात ज़्यादा आसानी से और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। तो बेटा ये आपका जो है वो असाइनमेंट है, ये 3 सवाल हो गए और इसके अलावा एक सवाल मैं आपको और दे रहा हूँ हैंडआउट से, और वो है 2000 का क्वेश्चन नंबर 7। 2000 का क्वेश्चन नंबर 7। तो ये कुल मिला के बेटा मैंने आपको 4 सवाल दिए हैं, तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 8 और 2000 का सवाल क्वेश्चन नंबर 7। इंशाल्लाह अगली क्लास में नए सवाल के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।